सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। बिहार पुलिस वालों क्या हालचाल है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस परीक्षा फाइनल कटअप जो आपका 7 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हुआ था और 28 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चला था, यानी कि 6 पालियों के पेपर एनालिसिस करने के बाद हम इस वीडियो में आपको सटीक कटअप एनालिसिस करके आप सभी को बताने वाले हैं जिससे आप अपना फिजिकल करना शुरू कर दें। ठीक है, देखिए बात किया जाए बिहार पुलिस परीक्षा देने के बाद आप सभी के मन में बहुत सारे बातें चल रही होंगी। सर मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, सर हमारे रिजल्ट का क्या होगा, सर हम फिजिकल करने जाएं या ना जाएं। इन सभी बातों को जवाब देने के लिए हम आप सभी की सेवा में इस वीडियो में सटीक कटअप एनालिसिस के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों से बातें करने के बाद 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक हुए बिहार पुलिस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद जो हमको कटअप लगता है, यानी कि जो हम कटअप एनालिसिस इस वीडियो में कराने वाले हैं सटीक कटअप रहने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, और आप फिजिकल करना शुरू नहीं किए हैं तो हम कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप फिजिकल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका रिटेन के बाद मेन जो आपका बिहार पुलिस का मेरिट बनने वाला है वो फिजिकल पे ही बनने वाला है। ठीक है, देखिए अगर फाइनल कटअप की बात किया जाए तो फाइनल कटअप बहुत सारे चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है, जो मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। पहले देखिए फाइनल कटअप जो एनालिसिस इस वीडियो में हम कराने वाले हैं वेस क्या रहने वाला है, यानी कि आपका फाइनल कटअप किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो पहला आप लोग ध्यान रखिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं इस पर आपका कटअप निर्भर करेगा। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए कैटेगरी, कैटेगरी आपका UR में है या EWS में है या OBC में है या EBC में भी आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, आप ST में आते हैं, SC में आते हैं या आप ट्रांसजेंडर हैं, बहुत सारी बातों पे आपका बिहार पुलिस का कटअप निर्भर करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्रश्न जो थे अलग अलग जिला में अलग अलग थे, तो प्रश्नों का लेवल भी आपके कटअप में माने रखता है, और इस बार जो प्रश्न अलग अलग पूछे गए थे तो नॉर्मलाइजेशन तो होना इनकी निश्चित है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में भी आपका मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा, इन सभी बातों पे आपका फाइनल कटअप निर्भर करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके पहले 2024 में जो 21,391 पोस्ट के लिए आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, इससे पहले आप प्रीवियस कटअप को देखिए जो आपका रिटेन एग्जाम 2020 में टोटल जो पोस्ट था बिहार पुलिस के लिए 8,415 में आपका कटअप किया गया था। देखिए आप प्रीवियस कटअप को अगर आप समझ जाते हैं, अगर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इससे कि आपका कटअप कितना जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस कटअप को समझ जाते हैं तो 2024 में जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है आसानी से आप इस कटअप को समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए बात किया जाए, यानी कि 2020 में जो वैकेंसी आया था 8,415 पोस्ट के लिए, इसमें जो रिटेन टेस्ट का जो कटअप गया था, ध्यान रखिएगा कैटेगरी आपका मेल फीमेल, ठीक है, यानी कि कैटेगरी में आपका देखिएगा तो UR का जो कटअप गया था मेल का 64 गया था और फीमेल का 53 गया था, BC मेल का कटअप 61 गया था, फीमेल का कटअप 49 गया था, EBC मेल का कटअप 59 गया था और फीमेल का कटअप 46 गया था। ठीक है, वही देखा जाए EWS 2020 में मेल का कटअप 54 गया था और फीमेल का 41 गया था। ठीक है, AC का कटअप जो गया था मेल का गया था 56 और फीमेल का गया था 42। ठीक है, और ST मेल का कटअप 2020 8,415 पोस्ट में मेल का 58 गया था और फीमेल का 46 गया था। ठीक है, और जो वैकेंसी 2023 में 21,391 पोस्ट के लिए आई थी जिसका री एग्जाम 2024 यानी कि अगस्त में संपन्न हुआ है, तो जो 2020 में वैकेंसी
8415 पोस्ट आया था, इसकी तुलना में जो 2023 में 21391 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, ये लगभग ध्यान रखिएगा यानी कि 2020 से ढाई गुना है। यानी कि बात किया जाए कि इस बार जो 2024 में आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट आएगा, तो याद रखिएगा फिजिकल टेस्ट के लिए कुल 21391 पोस्ट जो आपका भर्ती है, इससे 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, जिसमें आपका मेल भी होंगे, ठीक है, और फीमेल भी होंगी, और कुछ ट्रांसजेंडर भी होंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 21391 पोस्ट जो 5 गुना रिजल्ट बनेगा, यानी कि 106955 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका हम कैटेगरी बता दिए हैं, दोनों कैटेगरी शामिल होंगे, ठीक है। और देखिए प्रीवियस कटक 2020 को देखने के बाद रिटेन एग्जाम जो आपका टेस्ट हुआ है, यानी कि फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा 2024 में, यह कटअप जो रहने वाला है 21391 पोस्ट के लिए। ध्यान रखिएगा इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, बिल्कुल साफ सुथरा हुआ है, किसी भी तरह का कोई चोरी नहीं हुआ है, तो कटअप जो होगा पहले की तुलना में इस बार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो देखिए कैटेगरी यहाँ पर लिखा गया है UR, BC, EBC, EWS, AC, ST, ट्रांसजेंडर, ठीक है। अगर आप इस मार्क्स में, यानी कि आप इस कटअप में मेल फीमेल आ रहे हैं, जो अभी हम बताने वाले हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आप फिजिकल करना शुरू कर दीजिए। 1 से 2, 3, 4 नंबर आगे पीछे आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान है नहीं कि जो कटअप हम बता देंगे वही आएगा, ठीक है। कोई भी टीचर जो बताएगा वह कभी नहीं आता है, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए संभावित कटअप की अगर बात किया जाए, तो अगर हम मेल का देखें, तो देखिए मेल का UR का कटअप जाएगा, यानी कि 56 से 60 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप फिजिकल जाना शुरू कर दीजिए। अगर आप फिजिकल नहीं जाना जा रहे हैं, समझ जाइए आप रेस से काफ़ी दूर जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसके बीच आप UR में हैं, मेल में हैं, आपका मार्क्स आ रहा है, आप फिजिकल जाना शुरू कीजिए, ठीक है। वही अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो अगर आप UR से आते हैं, आपका कैटेगरी UR है, और 48 से 53 मार्क्स भी आपका आ रहा है, यानी कि अधिक से अधिक 55 मार्क्स आपका आ रहा है, तो आप फिजिकल जाना शुरू कीजिए, आप रनिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं कि BC कैटेगरी के मेल के लिए, तो अगर आपका मार्क्स यानी कि 53 से 57 के बीच आ रहा है, 58 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, तो अगर 53 से 57 के बीच आप BC कैटेगरी के मेल हैं, अगर आपका मार्क्स आ रहा है इतना, अगर आप घर बैठे हैं, तो आप मुक्तता का प्रमाण दे रहे हैं, आप फिजिकल जाना शुरू कीजिए, आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। वही फीमेल कैटेगरी का मैं बात करूं, तो 45 से 50 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप फिजिकल शुरू कीजिए, क्योंकि फिजिकल पे ही आपका मेरिट बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही बात किया जाए EBC मेल कैटेगरी का बात करूं, तो 50 से 55 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, 1 से 2 नंबर आप बढ़ा घटा सकते हैं, इसके बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप फिजिकल शुरू कीजिए। वही फीमेल पर्सन की अगर मैं बात करूं EBC कैटेगरी के लिए, 44 से 58 अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप फिजिकल शुरू कीजिए, ठीक है। वही EWS का बात किया जाए, तो ध्यान रखिएगा यानी कि 53 से 57 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप फिजिकल शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप EWS से हैं और आप फीमेल हैं, अगर आपका मार्क्स 46 से 50 आ रहा है, तो आप फिजिकल शुरू कर दीजिए, ठीक है। SC का अगर मेल का बात करूं मैं, तो 45 से 49 अगर आपका मार्क्स आ रहा है, फिजिकल शुरू कीजिए। अगर आप फीमेल हैं, अगर आपका मार्क्स 38 से 43 आ रहा है, तब भी आप फिजिकल शुरू कीजिए, आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अगर बात किया जाए ST का, तो ST के लिए अगर आपका 43 से 47 के बीच अगर आप मेल हैं, आपका मार्क्स आ रहा है, आप फिजिकल शुरू कीजिए। फीमेल अगर है, 36 से 41 मार्क्स भी अगर आपका आ रहा है, तो आप सभी लोग फिजिकल शुरू कीजिए, ठीक है। तो यह जो 2024 बिहार पुलिस रिटेन एग्जाम 21391 पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कटअप हम आप सभी को बता चुके हैं, ठीक है। और नोट में आप सभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम भगवान नहीं है कि हम जो कहेंगे वही हो सकता है, ठीक है। नोट में आप ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस 3 से 4 मार्क्स आप ध्यान रखिएगा, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। आप फिजिकल शुरू कर दीजिए, अगर आप
इस कट ऑफ के आसपास भी अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो फिजिकल शुरू कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपका डाउट चल रहा था आपके अपने रिजल्ट को लेकर के, मार्क्स को लेकर के, क्लियर हो चुका होगा। और देखिए इसी वीडियो में हम आप सभी को बता देते हैं कि NCL और EWS का क्या होगा। तो देखिए NCL और EWS ध्यान रखिएगा, अभी जो 1275 पोस्ट के लिए जो रिजल्ट आया था इसमें क्या हुआ था, तो जिसके पास कहा गया था कि अगर आपके पास पुराना NCL EWS है तो वही लगा दीजिए या नया है तो वही लगा दीजिए, ठीक है। तो हमको लगता है बिहार पुलिस में भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी तो 2023 में आया है, तो आपके पास नया है तो आप लोग नहीं भी है तो बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 2023 का भी है, पुराना भी बनवा है, तो उससे भी काम चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल वीडियो हम NCL EWS पर आप सभी को लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन का एक एक डाउट हम क्लियर कर चुके हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित या बिहार दरोगा से संबंधित लाया जाए तो इस वीडियो के माध्यम से आपके फ़ोन पे जो नोटिफिकेशन हो कोई वीडियो लाया जाए इस चैनल पे तो आपको मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके, ठीक है। और देखिए सितंबर के अंत तक बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपको क्लास भी करवाया जाएगा, जैसे आपका हूबहू प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे क्लास से। जरूर आप सभी नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको एक एक अपडेट, करेंट अफेयर, महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा ताकि एक एक अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।